आरपीएफ आईजी एएन सिन्हा आगरा पहुंचे। आरपीएफ के जवानों ने आरपीएफ आईजी को सलामी देकर उनका स्वागत किया। आरपीएफ आईजी ने अधिकारियों के साथ बैठकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का वार्षिक निरीक्षण किया। आरपीएफ ने पहले चोरी लूट की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टीम का गठन किया था। आरपीएफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी में एफआरएस सिस्टम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अपराधियों की फोटोग्राफ्स एफआरएस सिस्टम में फीड करने पर तुरंत अलर्ट हो जाता है। यह टेक्नोलॉजी पर्यटकों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सही साबित हो रही है। आरपीएफ बढ़ते साइबर क्राइम पर काम कर रही है। आरपीएफ का पूरा फोकस शहर में हो रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाने पर है। ये आगरा मंडल का सीनियर डीएससी ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम है। आरपीएफ में डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है सारे ऑफिसर्स के जो ऑफिसर्स हैं, तो पिछले वर्ष की क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं, क्या कमी रह गई है, उस सब का डिटेल्ड में निरीक्षण होता है। और आगे का जो इस वर्ष 24 में क्या और करना है, क्या चीज़ को सुधारना है, उस चीज़ पर निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम आज रखा गया है। सर, और क्या कुछ तब्दीली की जा रही है आरपीएफ? इस समय क्राइम का तरीका भी बदल गया है। हाँ, क्राइम का तरीका ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है, चेंज होता है कि साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा हो रहा है, क्रिमिनल्स के तरीकों में भी तब्दीली आ रही है। तो जैसा आपको ज्ञात है, आरपीएफ में भी साइबर सेल का गठन किया गया है रिसेंट टाइम्स में, और साइबर क्राइम के प्रति जो है अधिक फोकस किया जा रहा है, जिससे कि जो रेलवे में साइबर अटैक और वो सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि आगरा, मथुरा, ये सब जगह आगरा मंडल के हिस्सा हैं जिसमें कि श्रद्धालु लोग भी बहुत आते हैं और पर्यटक भी बहुत आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर स्पेशल टीम भी बनाने का गठन किया गया था। इसको कई जो चोरी के मामले हैं उस टीम ने पकड़े हैं, तो उस चीज़ पर भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, यात्रियों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी, महिलाओं की सुरक्षा का भी जिम्मेदारी रहती है आरपीएफ। ट्रेन बढ़ेगी, यात्री भी बढ़ेंगे, हम लोगों को तरीके बदलने हों, केवल नया और स्टाफ बढ़ाने का शायद आप इशारा कर रहे हैं, उसके प्रति ही सिक्योरिटी नहीं बढ़ती है। हमारी सजगता, हमारे टेक्नोलॉजी, और जैसे कि नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए तरीके आ रहे हैं, उनको इस्तेमाल करना है। जो सीसीटीवी स्टेशंस पे लग रहे हैं उसमें एक एफआरएस का सिस्टम लगाया जा रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन स्कीम सिस्टम है, इससे कि क्रिमिनल्स के फोटोग्राफ्स को हम फीड कर देंगे और हमको अलर्ट आ जाएगा कि ऐसे क्रिमिनल्स हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे क्षेत्र में हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम जो है अधिक सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसा महिला की सुरक्षा के बारे में बोला, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हमारी मेरी सहेली की टीम और इस प्रकार की महिला आरपीएफ स्टाफ जो है वो सजग हैं और इसको कर रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।